हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज रस पंचक में रस को पढ़ेंगे। हम लोगों ने प्रभाव, वीर्य और विपाक को पढ़ लिया है, तो अब हम लोग आज स्टडी करेंगे अबाउट रस। रस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो जो द्रवगुण में जो आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, तो उनमें 6 टाइप ऑफ रस पाए जाते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये 6 टाइप के रस होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कौन से प्लांट में कौन से जो औषधियाँ हैं, मेडिसिनल हर्ब हैं, तो उसमें कौन कौन से रस पाए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लवण से शुरू करेंगे। लवण लवण हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, जो लॉन्ग प्लांट है, 104 जो लॉन्ग प्लांट है, उसके बारे में हम लोग, उसके रस पंचक के रस के बारे में हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे अबाउट लवण के बारे में। तो लवण एक रसुन, लहसुन जिसे हम लोग लहसुन के नाम से जानते हैं, वो पंचरस होता है। रसुन लहसुन जिसमें अम्ल नहीं रहता है, एसिड नहीं रहता है, मीन्स कि उसमें लवण रहता है। तो लवण का एग्जाम्पल यहाँ पर हो गया रसुन प्लांट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो नेक्स्ट है वो है अम्ल। तो अम्ल जो 104 प्लांट है, उसमें से 2 प्लांट है जिसमें कि अम्ल रस पाए जाते हैं, जम्बू और डाडिम। डाडिम को हम लोग अनार के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो जम्बू जामुन है और जो डाडिम है अनार है, उसमें अम्ल के अलावा 2 और रस प्रेजेंट रहते हैं, मधुर और कसाई रस। तो यहाँ पर जम्बू और डाडिम अम्ल, अम्ल के साथ साथ और क्या रहता है इसमें, मधुर और कसाई रस प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं मधुर रस। तो मधुर रस के यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं सालमली, आरागवध, वला, गोछुर, बदस्नाब, बिदारी, यष्टि मधु। ये मधुर रस के एग्जाम्पल होगा, इसे आप याद कर लेंगे। और जो मधुर रस यहाँ पर, जिसके रस मधुर हैं, तो उसके विपाक भी यहाँ पर मधुर होगा, तो इसे याद कर सकते हो। सलमल्ली, आरागवध, वला, गोछुर, वत्सनाब, बिदारी और यष्टि मधु, ये मधुर का, मधुर रस का यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट है कटु रस। तो कटु रस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कटु रस को याद करने के लिए यहाँ एक ट्रिक है, त्रिकटु। तो त्रिकटु हम लोग पिपली, सुंठी और मरीच को हम लोग, पिपली, सुंठी और मरीच को हम लोग त्रिकटु के नाम से जानते हैं। तो त्रिकटु के साथ जीरा खाओ, हिचकी भगाओ। तो जीरा से यहाँ जीरक हो जाएगा और ही से हिंगू, ची से चित्रक और क से कमी पलक। तो त्रिकटु में यहाँ पिपली, अदरक, मरीच, जीरक, हिंगू, चित्रक और कमी पलक एक कटु रस के एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे अबाउट कसाई रस। तो कसाई रस 5 प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इसका ट्रिक है। अर्जुन कसाई ने लौह धातु से बहेड़ा को कचड़ा। तो अर्जुन हो गया 1, कसाई मीन्स कसाई रस हो गया, लौह से लोध हो गया, धातु से धातु की, बहेड़ा से विभीतक को हम लोग बहेड़ा के नाम से भी जानते हैं, और कचाड़ा से यहाँ पर कंचनार हो गया। तो ये हो गया कसाई रस के यहाँ पर एग्जाम्पल्स हो गया, और इसके साथ में एक ट्रिक हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तिक्त रस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तिक्त रस पाए जाते हैं। तो इसका जो ट्रिक है पहले वो पढ़ते हैं। कीरा तिक्त की परपटी, तो कीरा तिक्त से यहाँ कीरा तिक्त आ गया, परपटी से परपट आ गया यहाँ पर। तो कीरा तिक्त की परपटी देवदारू की शंख कुमारी, तो देवदारू से देवदारू आ गया, और यहाँ पर शंख से शंख पुष्पी, और कुमारी से कुमारी, कुमारी को हम लोग एलोवेरा को हम लोग कुमारी के नाम से जानते हैं। क्यों किसी ब्राह्मणी रासना, यहाँ क्यों किसी से कटुका, ब्राह्मी रासना, कालमेघ, यहाँ पर कालमेघ जो एग्जाम्पल में, कालमेघ, गंध से सर्प, गंधा। तो ये इसके तिक्त रस के ये एग्जाम्पल हो गए, और उसके साथ में हम लोग यहाँ पर इसके ट्रिक्स को भी देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट जो है वो है तिक्त और मधुर रस वाले। यहाँ पर जो एग्जाम्पल हैं वो तिक्त और मधुर रस वाले। तो तिक्त और मधुर रस जैसे कि चंदन हो गया, कपी कछु, कृष्णपर्णी, उसीर, तालिस पत्र या तालिस, सैरयक, सारीवा, सालपर्णी और शतावरी। यहाँ एस से 4 आ रहा है, तो हम लोग ए 4 को याद करेंगे। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, और स्पेशल टी कप फॉर यू चंदन। तो चंदन से यहाँ चंदन हो जाएगा, यू से उसीर हो जाएगा, कप से कपी कछु हो जाएगा, टी से तालिस पत्र या तालिस हो जाएगा, और स्पेशल एस से यहाँ एस है, यहाँ 4 है, तो एस से यहाँ 4 याद करना है। तो एस से सालपर्णी, सारीवा, शतावर,
शतावरी शर्यक, जहाँ सालपर्णी रहता है वहाँ प्रिस्पर्णी होगा। तो इसके साथ यहाँ पी है, तो सालपर्णी के साथ यहाँ प्रिस्पर्णी है। तिक्त और मधु रस के एग्जाम्पल्स हो गए, तो इसके ट्रिक्स होगा स्पेशल टी कप फॉर यू चंदन। तो इसी के साथ आप इसे याद कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है कटु और तिक्त रस, कटु तिक्त रस। तो यहाँ पर कटु तिक्त रस को हम लोग एक बार रीडिंग कर लेंगे और इसे मतलब याद नहीं करेंगे, क्योंकि जो मोस्टली है इसमें अप्रॉक्स में 20 प्लांट्स यहाँ पर आते हैं कटु और तिक्त में, और मोस्ट ऑफ द जो प्लांट है उसमें तिक्त रस होते हैं। तो कटु और तिक्त रस यहाँ पर एग्जाम्पल हो गए उसके, तो यहाँ पर हम लोग इसे याद नहीं करेंगे, क्योंकि ये 100 जो लॉन्ग प्लांट है 104, तो अगर इसमें और दूसरे सारे एग्जाम्पल को याद कर लेंगे तो इसे याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रस को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो रस है तिक्त कसाय रस, तो तिक्त कसाय रस किस किस में पाए जाते हैं, तो इसका ट्रिक है, तो ट्रिक में तीन प्लांट इंक्लूड नहीं है, बिडंग मंडुका पर्णी करकटा सिरंगी। तो हम लोग इस तीन प्लांट को याद कर लेंगे, बिडंग और कौन हो गया, बिडंग मंडुका पर्णी हो गया यहाँ, और करकटा सिरंगी। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं तिक्त और कसाय रस के ये तीनों एग्जाम्पल हो गए। और इसका जो ट्रिक है, अशोक यहाँ पर अशोक नीम बीज खाकर पत्थर से कदम बसा को जा कूटा, वरुण दारू अफीम पीकर आज गिलोय से नाग को बिल में पीटा। तो अशोक से यहाँ अशोक हो गया, नीम से नींब हो गया, बीज से बीजक खाकर खदीर, पत्थर से यहाँ पाषाण हो जाएगा, और वसा से वसा, कूटा से कूटज, और वरुणा से वरुणा, दारू से दारू हल्दी, अफीम से अही फेन, गिलोय को हम लोग गडूची के नाम से भी जानते हैं, नाक से नाग केसर, बिल से बिल्व, और पीटा से यहाँ पाटला। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए तिक्त और कसाय रस के। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट जो है वो है तिक्त कसाय और मधुर रस। तो इसके ट्रिक्स हो गए MTS, एम से मधुर, तिक्त टी से तिक्त, और एस से कसाय। MTS के गम में, गम से गंभारी, तो है गंभारी देख सकते, गंभारी पुनः मंजू जाट ने, पुनः से पुनर्नवा, मंजू से मंजिष्ठा, जाट से जटा मानसी, तिल पी के तिल से तिल होगा, सोना सोना से सोनाका, के सलक्का से सिर फोड़ा, तो सलक्का को यहाँ पर सलक्की होगा, और सिर से सिरिस, यहाँ पर सिरिस हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं। तेव हो गया तिक्त कसाय और मधुर रस के ए एग्जाम्पल हो गए विक्ट्रिक। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो कटु तिक्त और कसाय रस का। तो कटु तिक्त और कसाय रस में 4 प्लांट्स आते हैं, रोहितक, भल्लातक, मुस्तक और पलास। तो इसका ट्रिक हो गया रोहित भला मस्त पी के पड़ा, तो रोहित से रोहितक, भला से भल्लातक, मस्त से मुस्तक, पी के पड़ा, पी के मैंने कोई भी अल्कोहलिक चीज़ है वो कटु तिक्त कसाय ही होगा, तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, उसमें मधुर नहीं रहेगा। तो वो यहाँ पर कटु तिक्त कसाय का एग्जाम्पल हो गया रोहितक, भल्लातक, मुस्तक और पलास। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो नेक्स्ट है वो है तिक्त कटु और मधुर रस। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है अश्वगंधा, कुष्ठ, तवक, वराही और कपूर। तो अश्वगंधा, अश्वगंधा से यहाँ अश्व से घोड़ा होगा, तो घोड़ा जो कि दौड़ता है, तो यहाँ एक KTM बाइक का नाम है। के से कटु, ती से तिक्त, एम से मधुर। तो एक कटु तिक्त मधुर के एग्जाम्पल हो गया अश्व, अश्व KTM एक बाइक है, वो भी मतलब रनिंग रेसिंग कार है, और घोड़ा से भी रेसिंग होता है, तो ये इसका लिंक हो गया यहाँ पर। और जो अश्व है घोड़ा है, उसको कुष्ठ रोग हो गया है, स्किन डिजीज, तवक रोग हो गया है यहाँ पर, और उसमें हम लोग इसका यूज के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग बराही, बराही में कपूर डाल करके, बराही के तेल में कपूर डाल करके उसका लेप कर रहे हैं कुष्ठ में, स्किन डिजीज में। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो नेक्स्ट यहाँ पर तिक्त, कटु, कसाय और मधुर रस। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है मदन फल और अग्निमंथ, यहाँ पर देख सकते हैं मदन फल, अग्निमंथ, कटु तिक्त, कसाय और मधुर रस के एग्जाम्पल हो गए। और लास्ट में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लास्ट में पंचरस, तो पंचरस में 3 प्लांट्स आते हैं, हरितकी, अमलकी और रसुन। तो रसुन हम लोगों ने पहले देख लिया है, तो यहाँ पर हरितकी और अमलकी दोनों में लवण वर्जित होता है, दोनों में लवण नहीं रहता है, और अमलकी में अम्ल प्रधान रहता है, और हरितकी में कसाय प्रधान रहता है। नेक्स्ट प्लांट है, नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट टू एग्जाम्पल्स है, एरंड, एरंड का हो गया।